नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां ज्ञान वापसी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग ठुकराई। व्यास जी के तहखाने में होती रहेगी पूजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट का पूजा पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार। सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश। अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ज्ञान वापसी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग ठुकराई है। व्यास जी के तहखाने में होती रहेगी पूजा, सुप्रीम कोर्ट का पूजा पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार। सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश। अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान की थी। इसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले पर रोक से इनकार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से इनकार कर दिया है। मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी के लिए हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता मदन मोहन जुड़ चुके हैं। मदन, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसके बाद कैसा माहौल देखने को मिल रहा है काशी में और क्या कुछ अपडेट बताया जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाए कि अंजुमन इंतजामिया की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका डाली गई थी व्यास जी के तहखाने को लेकर के, उसमें कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सीधे सीधे जो है अंजुमन इंतजामिया के याचिका को जो है कहा जाए तो खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो है ज्ञान वापसी के अंदर में जो तहखाने के अंदर जो पूजा अर्चना हो रही थी, उसमें जो है पूजा अर्चना जो है होती रहेगी। तो इसको लेकर के अगर कहा जाए तो हिंदू पाकिस्तान जिसे एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है। यहाँ पर काफी जो है लोग, काशी के लोग जो है उत्साहित है, क्योंकि जिस तरह से कहा जाए जो बाजी जो चारों बाजी थी उन्होंने जो है कहा जाए खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि एक बड़ी जीत जो है हमें मिली है। इस तरह से कहा जाए तो काशी की जनता भी जो है काफी उत्साहित है। वही अंजुमन इंतजामिया एक बड़ा झटका जो है लगा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हालांकि जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अभी जो है यथास्थिति दोनों पक्ष बना करके रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो 30 अप्रैल को दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी रिपोर्टें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है दाखिल करेंगे। तो उसमें आज जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई के लिए अंजुमन इंतजामिया की तरफ से तमाम दलीलें जो है उनको दी गई। उसके बाद दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने मतलब सीधा सीधी ये कहा है कि आप किस तरह से इसमें करते हैं। उन्होंने तमाम इसमें सीधे कहा कि क्या इसमें जो है पूजा अर्चना करने के लिए इसमें कुछ बाधक बनता है, क्या गेट जो है दोनों जैसे जो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं या जो मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं तो क्या वो दोनों गेट अलग है, अलग दिशा में है? तो इसमें जो है जाने की तरफ से कहा गया कि बिल्कुल ये सही है कि इसमें जो है एक दक्षिण के तरफ से गेट है जिसमें कि नमाज पढ़ने के लिए जाती है और एक उत्तर के तरफ से है जो उत्तर के तरफ से जो नमाज पढ़ने के लिए जाता है और दक्षिण की तरफ से जो है मंदिर के अंदर में प्रवेश किया जाता है। तो दोनों गेटे अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है दोनों बाधक नहीं बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये कहा गया है कि यथा स्थिति बना करके रखे तो इसमें साफ जाहिर है कि जनता से अंजुमन इंतजामिया जो है तहखाने के अंदर में पूजा अर्चना की रोक की मांग की थी तो अब जो है उसे जो है खारिज कर दिया गया है। अब जो है पूजा अर्चना जो अभी जो चलती आ रही है उसमें जो है वो चलती आ रही है, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया का ये भी कहना था कि 1993 से लगातार जो है पूजा बंद है, लेकिन इसके बाद जो है अब जो है कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम पर को जो है ये उनसे कहा जाए तो वो जो जमीनों उससे जो है मतलब जायदाद उससे अलग किया जा रहा है। तो इस तरह से तमाम दलीलें जो है कहा जाए तो अधिवक्ता के द्वारा दिए गए। फिलहाल अगर हम बात करें तो इसको जो है कोर्ट ने यथास्थिति बना करके रखने के लिए कहा है, यानी कि जो पूजा अभी हो रही है वो विधिवत पूजा चलती रहेगी, जो नमाज जो पढ़े जा रहे हैं वो नमाज भी पढ़े जाएंगे। हालांकि 30 अप्रैल का एक समय दिया गया है, दोनों पक्ष अपने अपने रिपोर्टें जो है न्यायालय के समक्ष जो है दाखिल करेंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ काशी से संवाददाता मदन मोहन शर्मा जुड़े हुए थे। तो ज्ञान वापसी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग ठुकरा दी है। व्यास जी के तहखाने में पूजा होती रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का पूजा पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार है। सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश है। अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।